Welcome to ISL Enabled Virtual Lab of CSIR. 11:45. और ये आराम से 12 बजे से 2 बजे 1 बजे तक सब खत्म हो जाएगा। दैट दिस मच कॉन्फिडेंस। ओके स्टार्ट। सो दिस मॉड्यूल इज कॉल्ड ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क का मतलब ये है कि बेसिकली ये ध्वनि प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। Now what we have to see is that which of them will produce the louder noise or sound. So what we are going to do is that we will take this little hammer and we will hit it. Now hear it and just understand which will make the loudest noise. सबसे ज्यादा साउंड किसने प्रोड्यूस किया? अगर आपने देखा होगा ये सबसे बड़े वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। जब सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसको ऑसिलेट करने का ज्यादा मौका मिलता है। जब ज्यादा ऑसिलेट होगा उतना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा। आपने कभी बेस्ट एग्जाम्पल आपने कभी मंदिर में देखा होगा जो बड़े बड़े घंटे होते हैं बहुत तेज आवाज प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ज्यादा उनका सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा जितना तेज आप हिट करेंगे उतना ज्यादा देर तक वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन से और ऑसिलेशन से वो ज्यादा दूर तक साउंड प्रोड्यूस करेगा। So this is a very beautiful example of how if your surface area is very long and if we hit the hammer very hard, it will oscillate more faster as compared to these, and as it has more surface area and more oscillation, it produces more sound.